उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर में पुलिस ने मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना का एक सप्ताह बाद खुलासा कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व साक्ष्यों के आधार पर इस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। गौरतलब है कि बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के बराल गांव में 31 मई की रात अज्ञात लोगों ने चार मंदिरों में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ कर पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने 5 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक एविडेंस व पूछताछ कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। ये मामला इतना गर्माया कि लोगों ने इस पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। एक यूजर लिखता है कि यूपी के बुलंदशहर में जिहादियों का नंगा नाच, 5 मंदिरों की मूर्तियां सहित शिवलिंग को तोड़फोड़। बड़ा सवाल, आखिर हिंदुस्तान में कब बंद होगा हिंदू मंदिरों पर तालिबानी आतंक। श्री चौधरी का ट्वीट सामने आता है, वो लिखते हैं कि बुलंदशहर में मंदिरों में शिवलिंग खंडित किया गया, लेकिन देश में सन्नाटा है, अब धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं। इस पर जाकिर त्यागी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि बुलंदशहर के बराल गांव में 4 प्राचीन मंदिर की एक ही रात में मूर्तियां तोड़ी गई थी, जिसके बाद आसपास के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस मामले को सांप्रदायिक हवा दी। अब पुलिस खुलासा कर मूर्तियां तोड़ने वाले हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय को गिरफ्तार किया। आज तक की तिहाड़ी पत्रकारिता सुधीर चौधरी व अन्य इन मामले को मुस्लिम से जोड़ा और त्वरित आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी। अब पुलिस ने मूर्तियां खंडित करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुधीर जैसे गुंडे खामोश है। मुझे लगता है ऐसे मामलों का सबके सामने आना आवश्यक है। वहीं अशरफ हुसैन लिखते हैं कि यूपी के बुलंदशहर में 4 मंदिरों की करीब 1 दर्जन से ज्यादा मूर्तियों को खंडित करने का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसके नाम हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय है। सुधीर चौधरी ने इस मामले पर एक प्रोग्राम भी किया था। इन आरोपियों की गिरफ्तारी ने कुछ नफरत के सौदागरों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गोदी पत्रकारिता के इस दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना किसी जोखिम से भरा नहीं है। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।